पूरी पड़ी घूम रही है। ये चौथी बार माने तो वेडर लग गई सर रास्ते में कौन जाने में जी अभी हम लोग हैं करण प्रयाग के अंदर। आप हमारी यात्रा देख रहे हैं उत्तराखंड की। सब स्टार्ट हमने किया था देहरादून, उसके बाद में दानोती मसूरी से होते हुए चंबा टेहरी डैम भी देखा, और उसके बाद में देवप्रयाग रुद्रप्रयाग, और इस रास्ते से देखते देखते कार्तिक स्वामी, और उसके बाद में हम लोग आए हैं ये करण प्रयाग के अंदर एक होम स्टे घर होटल कुछ मान लीजिए। यहाँ पर हम लोग ठहरे बहुत जबरदस्त अलकनंदा नदी के किनारे पर हम लोग रुके हैं। शानदार लोकेशन। यहाँ से खाना खा करके और आगे हम लोग जोशी मठ की तरफ जाएंगे। खाना बना रही है इतने दिनों के इकट्ठे हुए हुए आज सारे कपड़े धोए और फिर उनको सुखाया। अब जो नेशनल हाईवे 7 इसी के ऊपर हम लोग आगे चल रहे हैं, बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं। ये नंद प्रयाग का मार्केट है और यहाँ पे भी नंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम होता है। देखो भाई नंद प्रयाग से हम लोगों ने खूब आइसक्रीम लिया। आज गर्मी हो रही, इतनी ज्यादा गर्मी है तो यहाँ पर कोई ज्यादा ही लैंडस्लाइड हुआ था हाईवे के ऊपर। एक्चुअली हम लोगों ने नेशनल हाईवे 7 छोड़ करके कल्पेश्वर एक रोड जाती है और उस पर भी काम चल रहा है। एकदम इस तरह का कच्चा रास्ता है, इससे हम लोग जा रहे हैं क्योंकि बाकी सब लोग कह रहे हैं कि अच्छी लोकेशन लेके जाओ, अच्छी लेके जाओ। इन अच्छी कहोगे थे अच्छी हो गए, बुरी हो गए उनके। क्यों पकड़ रहा क्या? माने तो वेटर लग गए रास्ते में कौन जाने में। चलो एकदम खतरनाक रास्ता है, सड़क बनी हुई नहीं है, कच्चा रास्ता, उसके ऊपर काम चल रहा है। नीचे एक सड़क की जगह मिट्टी निकली हुई है। ऐसे ऐसे दिखे भाभी जी ऐसे बोल रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हमारे क्या है गाड़ी के अंदर वोटिंग हो रही है, कोई कह रहा है चलें, कोई कह रहा है नहीं चलें। रास्ता देखे गाड़ियां तो जा रही है, अभी वो गई है छोटी वाली भी गई थी एक, थोड़ा सा क्या किलोमीटर का 2 किलोमीटर ज्यादा खराब रास्ता इस तरह का। ये भी थारू गाड़ी चलन कौन लाग रही बाप, वो क्या कह रही है थाने ये रास्ते पर गाड़ी थारू चलन कौन लाग रही है, आगे थे क्या चला ले वापिस चलो पचर मना बहुत। वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे। चलो भाई मेरे अकेले से क्या होगा, सबको डर लग रहा है कि रोड भी खराब है और नहीं जाएंगे। बहुत जबरदस्त रास्ता है, एक ड्रावना जबरदस्त हो गया। आप खुद सोचो कि कितना एडवेंचर है। हाँ ये सारे कह रहे हैं वापस चलेंगे तो वापस जाना ही पड़ेगा। अब तो मेन प्रॉब्लम ये है कि रोड नहीं है। लोग वापस जा रहे थे, वापस जाने के लिए तैयार हो गए थे, फिर हम उन सबको मैंने एक स्टोरी बताई जोशी मठ वाले की। भाई जोशी मठ के अंदर दरारें आ गई थी और वहाँ ज्यादा डेंजर खतरा है, सारे बोले कि नहीं 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 यही चलेंगे हम तो इसलिए सारे तैयार हुए। पहले तो मना कर रहे थे और फिर कहने जोशी मठ नहीं जाएंगे। पहला तो मतलब ओ ज्यादा डेंजर लागो लेकिन बिंग आ गो छोटो लागो बाद में तो बॉडी डी गाड़ी वापस मुड़ी है। एक बार वापस आ रहे थे फिर इधर आ गए। ऐसे लोकेशन भी जबरदस्त है, रास्ता टूटा हुआ है इसलिए खराब है, और कोई दिक्कत थोड़ी है। रास्ता क्या है कि सड़क टूटी हुई है लैंडस्लाइड या बारिश की वजह से, नाले बह बह के। लियारी गांव है, बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर। वाह ये भाई लियारी गांव है, लियारी गांव के अंदर से बर्फ के पहाड़ देखो कितने सुंदर सुंदर नजर आ रहे हैं। और हम लोग जो जा रहे हैं सीधा आगे कल्पेश्वर। अंट जी मंदिर कल्पेश्वर है। ये गांव क्या है, कौन सा है? देवग्राम। बहुत ही खतरनाक और डेंजर रास्ता क्रॉस करने के बाद में हम लोग इस लोकेशन पे आ गए, कल्पेश्वर महादेव मंदिर। वहाँ ऊपर की साइड में ये झूलने वाला ब्रिज और ये जबरदस्त सुंदर सा वाटरफॉल। पहाड़ी के पीछे 4-5 किलोमीटर चल के जाएंगे बोल रहे हैं ना। 4-5 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर चलोगे भाई? 2 घंटे तो सिर्फ जाने में लगेंगे। आपके गांव में रोड नहीं है अभी तक? हाँ रोड है। है
दूसरी साइड से। अच्छा, लेकिन आपका स्कूल इस साइड है, पैदल ही जाते, गाड़ी नहीं जाती, आते जाते पैदल ही हो। आज हम लोग आ गए हैं लगभग 2100 मीटर हाइट के ऊपर। हाँ जिम ले मामी जी, जिम जिम ले। आज हम यहाँ पे बड़ी मुश्किल से आए हैं, लेकिन जगह बहुत सुंदर है। आया कितना दौरा हमें बहुत मुश्किल से लेके आए थे हम तीनों एक साइड थे, यहाँ आने के लिए हम तीनों नटे हुए थे, लेकिन हमें जबरदस्ती ये लेके आए, लेकिन यहाँ आने के बाद अच्छा लगा यार। सारो वो मन ने ठीक रहो सारो है। इसके ऊपर ऊपर चल रहा होता है, झूल रहा है। राम राम जी। नमस्कार। ये मंदिर कौन सा? ये मंदिर कल्पेश्वर, कल्पेश्वर कल्पनाथ के नाम से जाना जाता है। कल्पनाथ है जी हाँ। भगवान भोले के पांच हिस्सों में, प्रथम केदारनाथ, द्वितीय मदमहेश्वर, तृतीय ये तुंगनाथ, चतुर्थ रुद्रनाथ और पंचम केदार कल्पनाथ। यहाँ पर जटा की पूजा होती है बाबू की। एकदम शिला के नीचे भगवान शिव की, माता पार्वती की, हनुमान जी की, अंदर मंदिर है एकदम इस गुफा के नीचे, शिवलिंग बना हुआ है वहीं पर। अभी अभी हम लोग पूजा करके आए हैं, करीब 15 से 20 मिनट तक जो यहाँ पर पुजारी थे उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ में पूरी हमारी विधि विधान से पूजा कराई। अब जो यहाँ पर धूप जला रहे हैं, कितना सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छी शांत जगह है। यहाँ पर आकर के मन प्रसन्न हो गया। भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करके आने के बाद में हम लोग आ गए झरने की साइड में। बहुत सुंदर, शांत और एकांत अच्छी जगह है। यहाँ पर कई सौ फीट से जो ऊपर से पानी आ रहा है। सारी जाके गंगा जी में मिले बेटा। अच्छा, सब नदियां है नी, छोटा छोटा मिल के सारा गंगा जी में जावे, गंगा जी जाके समुद्र में मिल जावे। ऊंचे ऊंचे झरने यहाँ पर ये जो वाटरफॉल है या छोटी सी जो नदी बह रही है, इसे कल्प गंगा कहा जाता है या हिरणावती भी कहा जाता है। पानी बहुत जबरदस्त ठंडा है। हमें काफी देर हो गई, लगभग 1 घंटा हो गया हम इस वाटरफॉल के नजदीक में यही बैठे हैं। बहुत ठंडा ठंडा मौसम और इस ऊंचाई से फोन आ रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पास में गांव है उसी के अंदर कहीं ना कहीं स्टे करेंगे। ये मंदिर जो है बहुत ही शांत और एकांत जगह पे है। यहाँ पर दर्शन करने वाले श्रद्धालु जो बद्रीनाथ जोशीमठ जाते हैं वो सीधा चले जाते हैं, यहाँ तक कोई नहीं आ पाते। बहुत कठिन रास्ता है और बहुत ही ज्यादा दुर्गम जगह है। गांव वाले ही घूम रहे हैं, लोकली घूम रहे हैं, ज्यादातर गांव वाले ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर भगवान शंकर की जटा के रूप में पूजा होती है। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर स्थित कुंड से समुद्र मंथन के लिए जल पात्र से जल दिया, जिससे 14 रत्न की प्राप्तियां हुई। अब ये हमारे गुरुजी है वो यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर एक पूरा मैच करते। क्या है, ठीक है? जोरदार है। ये लकड़ी का बना हुआ है, पतला है, इसलिए कह रही है कि ठंड लग जाएगी, क्योंकि बहुत हाइट पे आएगा ना हम लोग, इसलिए जबरदस्त सुंदर लोकेशन। इसके ऊपर आज हम लोग यहाँ ठहर रहे हैं। इसके आगे जो खूब सारी सब्जियाँ वगैरह लगी हुई है, पत्ता गोभी वगैरह भी लगे हुए हैं, और मेरे ये सालों जी हम दोनों जो इस गाँव के अंदर विजिट करने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारी नई नई चीजें सीखने के लिए। हमें नहीं पता है रास्ता कहाँ से है। यह है कि चारों ओर पहाड़ियों के बीच में ये एक थोड़ी कम ढलान वाली, मतलब कम ढलान वाली एक पहाड़ी है, और इसी के ऊपर ये पूरा पूरा गांव बसा हुआ है। देवग्राम इसका नाम है। किचड़ वाली है जगह। ऐसे खेतों के अंदर से झरने चलते रहते हैं। नहीं, एक चीज मैं बताऊं आपको, यहाँ पर गेहूं की फसल जो काट रहे हैं, और अपने उधर काट ली थोड़ी बेग चला है। ठंडा है इसलिए देखो गेहूं अभी तक काटी नहीं है, अभी है पूरी पकी है। आ, आ।
मैंने भी सोचा लड़की है, मुंडन नहीं करवाया बोल रहे हैं। इसका कब करेंगे बाल? कब? ये साल, अगले साल। अगले साल गेहूं की फसल तो यहाँ पर फुल पकती है, इसे कुछ नहीं है, गर्म हवा चल गई। ये वो कह रहे थे 6 फीट का दा यही है शायद। गाय रो रहे हैं, हाइट बहुत कम। अब देखो छोटे किड्डो के। हाँ। ये गाय का है, ये तो ये गाय का घर है ये ला। ये गाय रखते हैं इसमें और इनका रहने का घर ये है। दिखने में पता नहीं चल रहा दोनों एक जैसी है। जय श्री राम। प्याज निकाल रहे हैं, मूली पता नहीं। प्याज है घर के लिए ही बोए हुए हैं, प्याज है ये तो। सड़क बनाते हैं तब? हा? सड़क बना रहे हैं पूरी पहाड़ी को। अरे यार ये ब्लास्ट हो रहा है पहाड़ी पे सड़क बनाने के लिए, अभी 2 बार लगातार हुआ है। हम राजस्थान के हैं। ये तीसरा ब्लास्ट, ये देखो यहाँ पर इतना धुआं निकल रहा है। 3 जगह ये अभी लगातार ब्लास्ट हुआ है, ये 4थी बार। पत्थर दिखा हो? अरे ओ धुआं निकला है। हाँ ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पर अभी धुआं निकला है, 5-6 बार ब्लास्ट हुआ है। कि सड़क बनाते हैं ब्लास्ट करते हैं तो पहाड़ जो ऐसे हिल कर रह जाते हैं, और बारिश के दिनों में उन दरारों के बीच में से पानी आता है तो वो लैंडस्लाइड का रूप ले लेते हैं। सारा प्रमुख वजह है। हाँ पर यहाँ के जो लोग हैं वो भी दुविधा के अंदर है कि सड़क बनानी भी जरूरी है, वो गांव वहां पर है तो आज के टाइम में सबके पास गाड़ियां होती है, मोटरसाइकिल होती है, वो सिर्फ पैदल 2-2 घंटे से पढ़ने के लिए बच्चे भी आ जैसे आए तो असमंजस की स्थिति है, क्या करें? जीवन बचाएं या जीवन को सरल करें? ये क्या है कि यहाँ पर गांव का एक गांव के अंदर कोई प्रोग्राम होने वाला है 5 या 6 तारीख को, उसके लिए महिलाएं तैयारी कर रही है, गढ़वाली गाना गा करके डांस कर रही है। प्रोग्राम है वो किस खुशी में है ये बताओ? ये पर्यावरण दिवस जैसे मतलब पेड़ों को काटना वगैरह तो उसके बारे में मतलब लोगों को बताया जाता है, जागरूक किया जाता है उसमें। तो इसमें मतलब ऐसा होता है कि जो भी मतलब हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट के जो भी महिलाएं लोग आते हैं तो वो अपना प्रोग्राम दिखाते हैं। 5 जून को मतलब कॉलेज वगैरह लोगों का होता है, जैसे स्कूल के बच्चों को होता है, तो दूसरे दिन महिलाओं को होता है। प्रोग्राम यहाँ इंटर कॉलेज में है। हाँ, आपके गांव में? हाँ, में यहाँ पे तो वहाँ पे प्रोग्राम होता है तो महिलाओं पुराने जो पकवान होते हैं जैसे झुंगोरा हो गया, जैसे लोग अलग अलग जैसे कोई मडवे की खीर बनाते हैं तो अलग अलग प्रकार के डिशेज यहाँ पे मिलने को मिलते हैं। जैसे उस दिन बनेगी बनेंगे ये टेस्ट कराएंगे, जैसे आप लोग बाहर से आ गए तो आप लोगों को टेस्ट कराएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा। ज्यादातर मतलब इसका मोटिव यही है कि हमारा पुराना कल्चर है उसको मतलब जो विलुप्त हो रहा है तो उसको ये दिखाना है कि गांव में आज भी वो मतलब जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो आज भी गांव में है। आपका क्या नाम बताएं? मेरा नाम आरती नेगी। आरती नेगी। और गांव आपका? उर्गम। ये उर्गम थोड़ी है, तो देवग्राम है। देवग्राम ये प्रॉपर पूरा उर्गम है, इसमें 11-12 जैसे गांव आते हैं, 11-12 गांव। अच्छा, इस वैली में 11-12 गांव है? इस वैली में 11-12 गांव है। धान को साफ करके चावल निकालते हैं। अच्छा, इससे कूटते हैं। अपने गाने में इसको भी दिखाना है कि मतलब हाँ। इसमें गाने का मोटिव है कि कहाँ खो गए हमारे रीति रिवाज। अच्छा, कहाँ खो गए? मतलब हमें अपना कल्चर देखने को नहीं मिलता है। हाँ। मतलब जो गांव में जो पुरानी संस्कृति है पहले की, तो वो अब हमें गांव में देखने को नहीं मिलती है कि गांव में बहुत कम लोग रहते हैं, तो वो मतलब अब मतलब बार बार वो पुरानी चीजें निकाल निकाल के उनको गाएंगे, मतलब लोग भूल रहे हैं उसको कहके, तो हमने मतलब उसको दिखाना है उसमें कि आज मतलब जाग रखते हैं। अब मैं भी समझने लगा हिंदी में लिखे अपनी दिखेता। आप गढ़वाली भाषा ऐसी गढ़वाली भाषा ऐसी लिखते हैं कि हिंदी में लिपि हुई देवनागरी है। करो शुरू करो। ये जबरदस्त एक्सपीरियंस है हमारा, जबरदस्त। हर जी ओ गाज
आप लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया, प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे कुछ कुछ समझ में भी है। अपने पुराने रीति रिवाज को किस तरह से बचाने का एक संदेश आप दे रहे हो। इसमें बीज रखना, हमने बीज रखो गया। अच्छा, ये बहुत ज्यादा दिल को छू लेने वाला ऐसे गाना लगा कि पुराने रीति रिवाज को बचाओ यार, ऐसे ही तो कह रहे आप। ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती है। ऐसे संयोग से हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे और वो रिहर्सल कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा उनका गाना। जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया है वहीं पर ये छोटा सा होटल भी है, तो हम लोग खुद ही खाना बना के खा रहे हैं यहाँ पर ही। बहुत ज्यादा ठंडी है और यहाँ पे इनका होटल है, अनुराग होम स्टे है, इनके अंदर हम रुके हुए, तो हमने आज खाना यहीं पे बनाया है। और आज बहुत ज्यादा ठंड है तो हलवा बनाया है और यहाँ पे सब खाने के लिए वेट कर रही है। चलो वहाँ पर सब होटल वाला आज भाभी जी को होटल वाले बना दिया। ये यहाँ पे सब भोजन करने लग गए, ये इधर शून्य है। खाना हम लोगों ने तो खा लिया है, पर हमारे घर के पास में कोई आकर के टेंट लगा के सो रहा है व्यक्ति, उसके लिए हम खाना लेके जा रहे हैं। यहाँ पे इतनी ठंड पड़ रही है लेकिन फिर भी ये बाहर घूम घूम के ढूंढ लेते हैं। हम तो दूध लाने गए थे अभी, एक और जगह से दूध दो जगह से ले लिया। ये हमारी गाड़ी के आगे यहाँ टेंट लगाया भाई साहब ने, अरे वाह लगा लिया। अच्छा लगा लिया, ये लो खाना, रोटी है इसमें, हलवा है। अच्छा अच्छा, और सब्जी तो खत्म हो गई थी इसलिए दूध की जरूरत नहीं है। नहीं दूध ले लो, दूध ले लो, चलिए धन्यवाद। और बर्तन आप सुबह दे देना। अच्छा पुराना अपनी सोने का पांडव का।